हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विराट आईएएस। हमने जो यूपीपीसीएस पेपर 5 और 6 हैं उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें पेपर 5 का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, यानी यूपी की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो देखो, इसमें सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग की हम बात करेंगे। ये ऐसी रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं जो राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को गवर्नर नियुक्त करता है, और इनके सदस्यों का और चेयरमैन का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन कार्यकाल की जो मैक्सिमम एज है वो 62 साल है। इस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स को राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अलग अलग स्टेट में वेतन अलग अलग दिया जाता है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग भी एक एडवाइजरी बॉडी है, एक परामर्शदात्री संस्था है, और इसके कई सारे काम हैं, जैसे एग्जाम का प्लान बनाना, गवर्नर द्वारा किसी मामले पर सलाह देना, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी भर्ती के मामले में सलाह देना, उनके ट्रांसफर के मामले में सलाह देना, उनके प्रमोशन की या डिसिप्लिन के मामलों में, कानूनी खर्चों के मामलों में, पेंशन के मामले में सलाह देना। और संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार गवर्नर को हर साल आयोग द्वारा किए गए कामों की रिपोर्टिंग दी जाती है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पदाधिकारी है महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। देखो, एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर करता है। महाधिवक्ता के पद पर उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, जो यानी जिसके अंदर वही सारी क्वालिफिकेशंस हों जो एक हाई कोर्ट के जज के भीतर होनी चाहिए। महाधिवक्ता को वही भत्ते और सैलरी दी जाएगी जो गवर्नर तय करेगा, और प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में इसके कई सारे काम हैं। ये यूपी गवर्नमेंट को लॉ के ऐसे मामलों में सलाह देगा और उन कर्तव्यों का पालन देगा जो राज्यपाल इसके लिए फिक्स करेगा। ये उन ड्यूटीज का निर्वहन करेगा जो इसको संविधान द्वारा सौंपी गई हैं, और महाधिवक्ता को ये अधिकार है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी बैठक में शामिल हो सकता है, चाहे वो संयुक्त बैठक ही क्यों ना हो। या संसद की एक अपर महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है, एक एडिशनल एडवोकेट जनरल भी होता है। ये यूपी सरकार के विरुद्ध महाधिवक्ता यूपी गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं ले सकता, और ना ही यूपी गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई सलाह दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे राज्य की न्यायिक व्यवस्था के बारे में। देखो, भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, हाई कोर्ट बनाए गए हैं, हाई कोर्ट के अंडर में लोअर कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, फिर कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं, फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बनाई गई है। कोई नागरिक, देखो, पैसे की वजह से या किसी और वजह से न्याय पाने से वंचित न रह जाए, इसके लिए यूपी में स्टेट लेवल पर एक यूपी स्टेट सिविल, यूपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए हैं, जिसके द्वारा पैसे की कमी से, किसी और कमी के कारण जो दुर्बल तबका है वो न्याय से वंचित न रह जाए। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC ST हैं, तो इनको निशुल्क कानूनी परामर्श ताकि उनको दिया जा सके। अब ये चर्चा करेंगे कि जो हाई कोर्ट है इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। देखो, दीवानी और फौजदारी के मामलों में जो स्टेट है उसमें एक हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, मतलब हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय भी है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब इसको अपना कंटेम्प्ट होने पर पनिशमेंट देने का अधिकार है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो ये उसको पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है, और वो गवर्नर के कंसल्ट से इसको अपॉइंट करता है, और बाकी जजेस को वो चीफ जस्टिस के परामर्श से अपॉइंट करता है। आर्टिकल 217 में किसी हाई कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, जैसे
कम से कम 10 साल तक जज के रूप में भारत में काम करने का अनुभव हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वो वकालत कर चुका हो, और इसकी जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके करते हैं। बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट करते समय वे इनके अलावा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 237 में हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोविजन दिए गए हैं। 1999 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह तय किया कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 2 सीनियर जजेस का कंसल्टेशन जरूरी है, लेकिन ट्रांसफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के कंसल्टेशन को अनिवार्य बनाया गया। साथ ही जहां ट्रांसफर होगा, यानी जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर हुआ और जहां ट्रांसफर हुआ वहां के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 223 के तहत जब किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की चेयर खाली हो, या जब चीफ जस्टिस एब्सेंट हो, या किसी और वजह से अपनी ड्यूटीज को निभाने में समर्थ ना हो, तब प्रेसिडेंट उसी कोर्ट के बाकी जजेस में से किसी को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 224 के अनुसार जब किसी हाई कोर्ट में काम बहुत ज्यादा हो जाए, तब राष्ट्र और राष्ट्रपति को यह फील हो कि काम का निपटारा करने के लिए और ज्यादा जजेस की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए जा सकने वाले किसी एबल कैंडिडेट को 2 साल तक के पीरियड के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट के जजेस 62 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं, और संविधान का 15वां संशोधन आया था 1963 में, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 किया गया था। हाई कोर्ट के जजेस को वेतन और भत्ते को तय करने की शक्ति संसद को दी गई है, और इन जजेस का जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से और पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार की, जुरिसडिक्शन की। देखो हाई कोर्ट को कई सारे क्षेत्राधिकार हैं, जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। आप जानते हो कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को राजस्व कलेक्शन के मामले में और फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, और आर्टिकल 226 के तहत इसका तीसरा क्षेत्राधिकार है रिट जारी करने का अधिकार, जिसमें ये हैबियस कॉर्पस जारी कर सकता है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिरियर, को वारंटो जैसे रिटे जारी कर सकता है, और साथ ही कानूनी अधिकारों के बारे में भी रिट जारी कर सकता है। और हम जानते हैं कि जो हाई कोर्ट है इसकी जो रिट जुरिसडिक्शन है, जो इसकी रिट अधिकारिता है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस की चर्चा करेंगे। देखो 17 मार्च 1866 को आगरा में हाई कोर्ट बनाया गया, सर वॉल्टर मॉर्गन इसके पहले चीफ जस्टिस बनाए गए। 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, और 11 मार्च 1919 को इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का चौथा सबसे पुराना और यूपी का एकमात्र सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इसमें जजों की अधिकतम संख्या 160 रहेगी, जो देश के सभी हाई कोर्टों में सबसे ज्यादा है, और इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। सबऑर्डिनेट जो जुडिशियल सर्विस है उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है यूपी सिविल जुडिशियल सर्विस, दूसरी है यूपी हायर जुडिशियल सर्विस। जो यूपी सिविल न्यायिक सेवा है इसमें जो मुंसिफ और जो लघु वाद न्यायाधीश है वो आते हैं, उनको मिलाकर के सिविल जज बनते हैं। और जो सेकंड वाला है यूपी हायर जुडिशियल सर्विस, इसके तहत सिविल और सेशन जज यानी कि एडीजे आते हैं, और जिले के लेवल पर जिला जज इन सभी का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। पूरा यूपी आप जानते हो कि 75 जिलों में बटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 75 न्यायिक जनपदों में विभाजित है पूरा उत्तर प्रदेश। दीवानी के मामले में सबसे निचले की अदालत होती है, फिर उसके बाद सिविल जज होता है, और उसके बाद फिर जिला जज का न्यायालय होता है। रेवेन्यू के मामले में कलेक्टर और कमिश्नर्स होते हैं, और राजस्व के मामले में राजस्व परिषद सबसे बड़ी अदालत होती है, और यूपी पंचायती राज एक्ट के तहत न्याय पंचायत बनाई गई है जिनका कार्य क्षेत्र है सिविल, और ये कुछ खास मामलों में इंडियन पेनल कोड और अन्य कानूनों के तहत दंड दे सकती हैं।
न्याय पंचायतों को जेल भेजने और दंड देने का अधिकार नहीं है, इन्हें 100 रुपए जो तक के जुर्माने का केवल अधिकार है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि यूपी लोक सेवा न्यायाधिकरण क्या है। देखो, सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों से संबंधित जो शिकायत है उनके निपटारे के लिए, उनके मुकदमे को निपटाने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का, ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा पैसा और समय लगता था, इसलिए 1976 में यूपी लोक सेवा न्यायाधिकरण इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाया गया, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं यूपी गवर्नमेंट के उनको त्वरित न्याय मिले और सस्ता न्याय मिल सके। अब हम बाकी न्यायालयों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती हैं लोक अदालतें। लोक अदालत का मतलब है जनता की अदालत। लोक अदालत जल्दी निपटारे के लिए और कम खर्च करके आपसी समझौते से मामले को निपटाने की कोशिश करती है। 6 अक्टूबर 1985 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तत्कालीन चीफ जस्टिस पीएन भगवती की अध्यक्षता में पहली लोक अदालत गुजरात में लगाई गई थी। 42वां संशोधन 1976 से संविधान में आर्टिकल 39A जोड़ा गया और लोक अदालत का प्रावधान किया गया, और इसी के तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसमें स्टेट लेवल पर यूपी लीगल सर्विस अथॉरिटी स्थापित की गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया। नेक्स्ट ग्राम न्यायालय आ जाता है। अभी ग्राम न्यायालय क्या है? देखो, ग्राम न्यायालय नागरिकों को उनके दरवाजे पर, उनके डोर स्टेप्स पर न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। ग्राम न्यायालय का उद्देश्य है कि गांव के लोगों को कम लागत पर न्याय उपलब्ध कराया जाए, और ग्राम न्यायालय एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत होगी, जिसमें पीठासीन अधिकारी जो भी होंगे उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के साथ कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ग्राम न्यायालय मूवेबल कोर्ट है, यानी चलायमान सचल अदालतें हैं, और इन्हें दांडिक शक्तियां भी होंगी दंड देने की और दीवानी शक्ति भी होगी, और अगर ये कोई फैसला देगा तो 6 महीने के भीतर उसकी अपील जिला अदालत में की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अदालत है फैमिली कोर्ट, यानी कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय का कानून कुटुंब न्यायालय एक्ट या फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत बनाया गया था, और इसके तहत न्यायालय को फैमिली के जो मामले हैं उसको एक मित्रतापूर्ण समझौते के तहत, फ्रेंडली माहौल में, उनको सुलझाने का अधिकार दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मैरिज के जो मामले हैं, जो फैमिली के जो इश्यूज हैं, उनको निपटाना है, और किसी मामले की सच्चाई पता लगाने के लिए ये अपना प्रोसेस, अपनी प्रक्रिया भी तय कर सकती है। जनरली इसमें वकील नहीं होते, लेकिन अगर कोई जटिल मामला है तो उसमें वकील की अनुमति दी जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट 10 लाख से ज्यादा की आबादी पर जहां समझे परिवार न्यायालय बना सकती है। हाई कोर्ट में फैमिली कोर्ट के निर्णय को आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है, और इसके साथ ही संविधान के आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। नेक्स्ट टाइप की जो अदालत है वो है विशेष अदालतें। देखिए, 1979 में संसद ने विशेष न्यायालय अधिनियम पारित किया और विशेष अदालतों की स्थापना का प्रोविजन किया। जो बड़े सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति हैं या बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके अपराध की तीव्र जांच के लिए, तीव्र उनके निपटारे के लिए ये अदालतें बनाई गई हैं। ये अदालतें हालांकि मुकदमों की सुनवाई बहुत तेजी में करती हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया आईपीसी के, इंडियन पैनल कोड के तहत ही होती है। स्पेशल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है, और ये अपील 30 दिन के भीतर ही की जा सकती है। एक और टाइप की अदालतें हैं जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, FTC। इन अदालतों को डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर और सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो मुकदमे हैं उनको एक निर्धारित समय के भीतर निपटारे के लिए शुरू किया गया है। एक और स्पेशल प्रावधान है भारत में अदालतों का, जिसका नाम है न्याय पंचायत। देखिए, प्रेमचंद की कहानियों में पंच परमेश्वर की हमने कहानियां पढ़ी हैं, तो उसी विचारधारा पर आप मान सकते हैं कि ग्राम पंचायत यानी पंचायत लेवल पर न्याय पंचायत की व्यवस्था भारत में प्राचीन समय से चली आ रही है, तो उसको संवैधानिक दायरे में लाने का एक प्रयास किया गया है।
नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल 39A में भी यह प्रावधान है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानूनी तंत्र इस तरह से काम करे कि कोई नागरिक न्याय लेने से वंचित न रह जाए। और आर्टिकल 40 के तहत हम जानते हैं कि देश में ग्राम पंचायतों को इसी आधार पर ग्राम पंचायतों के तहत अनेक स्टेट्स में न्याय पंचायतें बनाई गई हैं। नेक्स्ट एक और अदालत है, ई अदालतें, ई कोर्ट्स। 9 जुलाई 2007 को उस समय के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने न्यायालयों के कंप्यूटराइजेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था ई कोर्ट्स, ई अदालतें। ई कोर्ट प्रोजेक्ट से न्यायालयों में सभी मामलों का एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से देश की सारी अदालतें वायरलेस तरीके से कनेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट एक और अदालत है, मोबाइल अदालत, मोबाइल कोर्ट। भारत की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन ने हरियाणा के मेवास जिले में किया था जो कि बेहद पिछड़ा जिला है। इस तरह मोबाइल अदालतों का उद्देश्य देश के पिछड़े इलाकों के लोगों को सस्ता और उनके नजदीक न्याय उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। ये मोबाइल अदालतें जैसे नाम से व्यक्त है ये चलायमान अदालतें हैं, मूवेबल हैं, अलग अलग जगह पर ये अदालतें लगती रहती हैं। अब हम चर्चा करेंगे नालसा क्या है। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी शुरुआत 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आया था। इसमें नालसा को एक स्टैचुटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। इस प्राधिकरण को बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरे देश में एक समान न्यायिक सेवा को, एक मुफ्त तरीके से जुडिशियल सर्विस को समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक पहुंचाना है। भारत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो नालसा के चीफ पैटर्न होते हैं, मुख्य संरक्षक होते हैं। अब ये किसके लिए बनाई गई है, देखिए इसमें महिला और बच्चे शामिल हैं, SC ST के लोग शामिल हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, एक निश्चित आय से कम आय वाले लोग हैं, और वो व्यक्ति जो जुडिशियल कस्टडी में है या वो व्यक्ति भी इसके तहत हैं, उनको भी न्याय देने की कोशिश की जाती है जो किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं या जो मानव तस्करी के शिकार हैं। और जिस तर्ज पर नालसा बनाया गया है उसी तर्ज पर सालसा है यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जिले के लेवल पर डालसा यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। क्षेत्रीय स्तर पर भी रीजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। अब हम चर्चा करेंगे यूपी में जेल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखो 1949 में सेंट्रल जेल लखनऊ जो 1868 में बनाई गई थी इसको आदर्श जेल बना दिया गया। अब यूपी में वर्तमान में 6 सेंट्रल जेल हैं। इंडिया में पहला सेंट्रल जेल यूपी के आगरा में ही बनाया गया था 1844 में। इस तरह आगरा जेल यूपी की सबसे पुरानी सेंट्रल जेल है। इसके अलावा लखनऊ में जो जेल है उसे आदर्श कारागार कहते हैं, जो कैदियों के शैक्षिक ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, सुधार के लिए, जेल के बाद उनके पुनर्वास के उद्देश्य के लिए इसको बनाई गई थी 1949 में। और लखनऊ का जो आदर्श कारागार है ये देश में अपने टाइप की एकमात्र संस्था है। नारीबंदी निकेतन भी लखनऊ में है, नारीबंदी निकेतन, जिसमें 3 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए जिन महिलाओं को सजा सुनाई गई है उनको रखा जाता है। बरेली में किशोर सदन है, किशोर सदन बरेली, इसमें ऐसे किशोर बंदी रखे जाते हैं जिनको सजा मिलने के समय जिनकी उम्र 19 साल से ज्यादा ना हो और सजा की अवधि 1 साल से कम ना हो, और इनको मिलने वाली जो सजा है वो यौन अपराध के लिए ना दी गई हो और अप्राकृतिक यौन अपराध के लिए इनको दंडित ना किया गया हो, और इनको 23 साल की उम्र तक रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में एक जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, संपूर्णानंद जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यूपी और बाकी स्टेट्स के जो जेल डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए 1 अगस्त 1940 को एशिया का ये पहला जेल ट्रेनिंग स्कूल है, और जिसका नाम 30 दिसंबर 1979 को संपूर्णानंद जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ के अमीनाबाद में एक जेल डिपो भी है जहां पर जेल के कैदी जो उत्पाद बनाते हैं उनको आम आदमियों को सेल किया जाता है। तो यूपी में जो 6 सेंट्रल जेल हैं उसमें पहली सेंट्रल जेल हो गई
आगरा में, दूसरा बरेली, तीसरा लखनऊ, चौथा फतेहगढ़, पांचवा नैनी प्रयागराज में और छठा वाराणसी में। अब हम यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देख लेंगे। देखो, जो मुख्य सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो स्टेट का सबसे बड़ा अफसर होता है, आईएएस, सीनियर मोस्ट आईएएस होता है। ये चीफ मिनिस्टर के सचिव के रूप में भी काम करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी ये सचिवालय सहायता प्रदान करता है। ये मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग भी लेता है और ये स्टेट का जितना भी प्रशासनिक ढांचा है, ये उसका मुखिया है। फिलहाल यूपी में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, 75 जिला पंचायतें हैं, 3 दूरदर्शन केंद्र हैं, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं और यूपी में कुल 17 जिलों में नगर निगम है और पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी यूपी में है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम यूपी के कुछ जिलों में ही है। जहां जहां ये कमिश्नर सिस्टम लागू है वो लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है। तो इस तरह यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। ये यूपी के मंडल मुख्यालय आप स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें 2 मुख्यालय पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक है देवीपाटन, जिसका मुख्यालय गोंडा में है, और चित्रकूट का मुख्यालय बांदा में है। तो इस तरह यूपी में ये मंडल है। अच्छा, यूपी में 3 जिले 2011 में नवसर्जित जिले हैं, शामली, हापुड़ और संभल। इस तरह हमने आज यूपी और यूपी के प्रशासनिक ढांचे के बारे में डिस्कशन किया। थैंक्स फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम यूपी के पेपर 5 मेंस के लिए सिलेबस के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।